गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सदर बाजार का कॉस्मेटिक कलेक्शन, साथ ही में ज्वेलरी भी देखेंगे क्योंकि अभी भी क्या है ना, वेडिंग सीजन चल ही रहा है, नेक्स्ट मंथ भी बहुत सारे लोगों के घर पे शादियां हैं, तो ओवरऑल जो स्टफ रहेगा ना वो रहेगा वेडिंग सीजन से रिलेटेड, चाहे वो लिपस्टिक हो, ज्वेलरी हो, बट आपको बहुत मजा आएगा। हर तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ट्रेंडी नेल आर्ट्स को लेके जितनी भी चीजें मार्केट में आई है वो हम देखेंगे, साथ ही में ज्वेलरी तो रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं। ये सामने वाले जो नेक पीस है ना, ये काफी सुंदर थे। इस तरीके के नेक पीस आप ब्राइडल को भी दे सकते हो या फिर खुद भी पहन सकते हो, और जो इनके प्राइस रेंज थी ना वो बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली थी। मतलब आप ये मान के चलो 500 से 700 रुपए की रेंज में आपको बहुत सुंदर ब्राइडल सेट मिल जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी होलसेल की शॉप पे जाओ इस तरीके के नेक पीस या फिर ब्राइडल सेट लेने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट 2-3 नेक पीस लेने पड़ेंगे, तभी आपको सही प्राइस पे पड़ेंगे। ये सामने वाला जो था ना, ये 850 रुपीज का था, इससे साइड वाला जो है ये 1100 रुपीज का है। तो ओवरऑल जो ब्राइडल सेट थे ना वो 1100 टू 1500 रुपीज की रेंज में थे, बट बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। नीचे वाले जो कैजुअल नेक पीस रहते हैं, जिनको आप इंगेजमेंट पार्टी में पहन सकते हो या नॉर्मल पार्टीज में पहन सकते हो, वो 700-800 रुपए की रेंज में थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हेयर एसेसरीज भी चाहिए होती है, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि जब फंक्शंस होते हैं ना तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत यूज में आती है। आपके बालों में लगाने के बाद जो लुक आता है ना, कोई देख के बता नहीं सकता कि आर्टिफिशियल थे। तो जो रोजेस मैंने आपको कंटेनर में दिखाए वो 70 रुपीज के थे, गजरा 20 रुपीज का है, ये वाला जो बन था ना जूड़े वाला, ये भी 70 रुपीज का है। इसमें आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में बहुत सारे लोग शॉर्ट हेयर रखते हैं, छोटे बाल होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, क्लिप लगा लेते हैं, फैंसी क्लिप, बहुत सुंदर लगती है। तो 60 रुपीज की रेंज में आपको फैंसी क्लिप मिल जाएंगी। सिंगल का प्राइस बता रही हूँ, बल्क में डेफिनेटली अलग प्राइस रहते हैं। तो ओवरऑल आपको ना बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है, कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए है अपने लिए कुछ ऐसा कि जो अलग हो, यूनिक हो, नॉर्मल शॉप पे ना मिल रहा हो या फिर एक्सपेंसिव मिल रहा हो, तो आपको जरूर एक बार सदर बाजार आना चाहिए। सदर बाजार काफी सस्ती है, बहुत वैरायटी में चीजें मिलती है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, तो इसीलिए लोग बेसिकली दूर दूर से आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज पूरी वीडियो को जरूर देखना, डायरेक्शन लोकेशन सब समझाऊंगी। साथ ही में आई पैलेट या फिर जो लैशेज है वो आजकल काफी ट्रेंड में है, क्योंकि लोगों को हैवी लैशेज दिखाने का बहुत शौक चढ़ा है, तो वो भी यहाँ पे आपको 100 रुपीज का पूरा बॉक्स मिल जाएगा। और देखिए 6056/2 बजाज मार्केट सदर बाजार, वहाँ पे भैया की लोकेशन है जहाँ पे इन्होंने अपनी स्टोर लगा के रखी थी। बहुत ही सुंदर आई शेडो पैलेट्स थे, ये वाले 200 रुपीज का था, इनके पास ग्लिटर में भी है, नॉर्मल मैट में भी है, तो हर तरीके के 150-200 रुपीज की रेंज में आपको आई शेडो पैलेट्स मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। हाइलाइटर्स में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। अगर आपको स्किन से रिलेटेड या फिर कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ भी चाहिए है ना, वो आपको सदर बाजार में अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। आईब्रो पैलेट्स में भी बहुत सारे ऑप्शन थे, ग्लिटर में बहुत सारे ऑप्शन थे, अगर आपको पाउडर में हाइलाइटर चाहिए उसमें भी ऑप्शन थे, तो काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। ग्लिटर वाले जो आई शेडो पैलेट है सामने वाला, वो 150 रुपीज का है, आपको पाउडर में भी बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कॉस्मेटिक आइटम्स की बात करूँ तो बहुत अच्छे थे। लिपस्टिक में आपको ढेर सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी। साथ ही में आजकल नेल आर्ट का सबको शौक चढ़ा है, बहुत सारे लोग नेल आर्ट कराते हैं, नेल एक्सटेंशन कराते, बट जिन लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है या फिर उनको लगता है कि उनके नेल्स खराब हो जाएंगे अगर वो एक्सटेंशन कराएंगे, तो वो फिर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। जो ये नेल आर्ट का पूरा बॉक्स है ना, ये यहाँ पे 50 रुपीज का मिल जाता है, जिसमें आपको मेटेलिक शेड, डिजाइनर शेड, प्लेन शेड, मतलब हर तरीके के डिजाइन मिल जाते हैं और लगने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो अगर आपको भी अपने लिए नेल आर्ट लेने हैं या फिर आपको आर्टिफिशियल नेल्स लेने हैं या फिर नेल आर्ट से रिलेटेड कुछ भी लेना है ना, तो वो आपको सदर बाजार में बहुत अच्छे और बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार जरूर सदर बाजार
बाहर जाएं, आपको बहुत मजा आएगा। बेशक यहाँ पे भीड़ रहती है बट यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ की मटका गली बहुत फेमस है, यहाँ की प्रताप मार्केट बहुत फेमस है, यहाँ पे टॉय मार्केट है, क्रोकरी मार्केट है, ओवरऑल आपको बहुत सारी चीजें सस्ते प्राइजेस पे मिल जाएंगी। अब आपने देखा ना, मैंने इतने सारे नेल आर्ट के अलग अलग बॉक्सेस देखा है, सब में अलग अलग डिजाइन था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। 50 to 80 रुपीज की रेंज में आपको ये आर्टिफिशियल जो नेल्स है ये स्टिकी वाले हैं और ये इजी टू अप्लाई है, बहुत आराम से आप इनको लगा सकते हो, चिपक जाते हैं ये, बहुत अच्छे थे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, मार्केट में आपको चाइनीज चीजें बहुत देखने को मिलेंगी बट जो उनकी क्वालिटी, जो फिनिशिंग, जो डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे ना, आपका मन खुश हो जाएगा। मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी थी, इतने सारे डिजाइन थे कि मैं क्या बताऊं। बाकी आप खुद देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस हैं, एक से बढ़ के एक आपको डिजाइन मैंने आपको दिखाया। इवन अभी तो मैं दिखा ही रही हूँ कि देखो और भी डिजाइन है, क्योंकि एक बॉक्स के पीछे बॉक्स लगे होते हैं, हर एक को निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट जो मैंने शेड्स देखी, जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने देखे ना 80 रुपीज की रेंज में, वो बहुत सुंदर थे, सीरियसली बहुत बढ़िया थे। जब हम नेल आर्ट कराने जाते हैं, नेल एक्सटेंशन कराने जाते हैं ना, तब भी हमें इतने सुंदर कलर कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलते, बट मैंने यहाँ पे बहुत अलग डिजाइन देखे। इवन मैं भी हर महीने कराती हूँ नेल एक्सटेंशन, बट जो क्वालिटी इन वाले नेल्स की थी ना, या फिर जो फिनिशिंग थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। अब बात करते हैं कुछ ब्राइडल सेट की। ब्राइडल सेट में भी आपको ढेर सारी वैरायटी इन शॉप और आउट ऑफ द शॉप भी मिल जाएगी, तो शॉप के बाहर भी ऑप्शंस रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप शॉप के अंदर से ही लो। मेन सदर बाजार वाली गली में बहुत ही सुंदर ऑप्शंस थे 1300 to 1500 रुपीज की रेंज में, 1500 रुपए में था ये जो मैंने अभी हाथ में उठा रखा, मुझे बहुत पसंद आया। और ऐसा नहीं था कि इनके पास सस्ते वाले भी नहीं थे, ये वाले जो ऑप्शंस मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये 250 रुपीज की रेंज में है, पीछे वाला जो था वो 500 रुपीज की रेंज में था, एडी में था, तो अलग अलग तरीके की क्वालिटी थी। ये वाला 350 पीस का था, तो मुझे जो नेक पीसेस लगे ना यहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में थे, पहली बात। दूसरी बात, डिजाइन बहुत सारे थे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं कौन सा लूं कौन सा ना लूं, इतने ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेन सदर बाजार वाली गली में आप हो ना, तो आप सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। शॉप के बाहर भी, शॉप के अंदर भी आपको हर तरीके की चीज देखने को मिलेंगी। मैचिंग रिंग चाहिए है, ड्रेसेस से मैचिंग आपको नेक पीसेस चाहिए, हर तरीके की चीज आपको मिलेगी। तो प्लीज एक बार जरूर टाइम निकाल के आना, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स है, जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, वो इस भैया को भी देख ले, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे मेन सदर बाजार वाली गली में। हरीश चंद्र महेंद्र कुमार जी की शॉप है, जिसपे रेनकोट वगैरह मिलते हैं, अम्ब्रेलाज मिलती है, तो उसके बाहर ही भैया खड़े होते हैं। साथ ही में अगर कुछ सस्ते ऑप्शन देखने, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शन कहीं ना कहीं यूज में आ जाते हैं, या फिर आपको कहीं पे चढ़ावा चढ़ाना है वहां पे हम दे देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं। तो ये सब अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो जो मैंने अभी हाथ में उठाया ये जो हैवी वाले, ये 100 रुपीज की रेंज में, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सिंगल वाला दिखाया था ना, वो 60 रुपीज का था। तो इस तरीके से इनकी प्राइस रेंज रहती है, कलर ऑप्शंस रहते हैं, तो हर तरीके के लोग हैं सोसाइटी में, सबके अलग अलग चॉइस है, तो उन चॉइसेस को देखते हुए सदर बाजार में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो आप ये ना सोचे कि चीजें आपकी बजट की नहीं है, या आप ये ना सोचे कि पता नहीं हम जाएंगे तो हमें वो क्वालिटी देखने को मिले या ना मिले। जो ऑब्वियसली बात है ना, हम जो भी कवर करते हैं वो मार्केट से ही कवर करते हैं, जो मार्केट में चीजें होती है हम आपको वही दिखाते हैं। प्राइस रेंज भी सिमिलर ही रहता, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बार्गेनिंग करते हो। ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए है ना, तो ये जो फ्लेक्सीबल होते हैं ये 180 रुपीज के थे, हर एक के पीछे ना प्राइस लिखा होता है, जैसे ये वाला 200 रुपीज का है। तो आप जब भी किसी शॉप में जाते हो ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, फोल्ड करके पीछे की तरफ देखो, बैक में प्राइस होता है। जैसे जो मैंने अभी रखा वो 150 का था, ये वाला 100 रुपीस का, ऐसे ही मंगलसूत्र होते हैं ये 50 रुपीस के हैं। ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा करेट है ना, ये आपको 50 रुपीस का मिलेगा। इसमें बहुत सारे डिजाइन थे, आपको सिंगल स्टोन में चाहिए या फिर किसी पे कुछ और डिजाइन चाहिए, हर तरीके के मिल जाएंगे। ये वाला 80 रुपीस का
का भैया दे रहे थे, जो कि मुझे हल्का सा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि 480 रुपीस की एक दर्जन तो ये होलसेल में या बल्क में मिल जाते हैं, तो ये 50-50 के आराम से मिल जाने चाहिए थे। बट इनकी क्वालिटी अच्छी थी, इनके पास डिजाइन अलग अलग थे। उनमें क्या होता है ना, एक सिमिलर ही डिजाइन होता है, राउंड शेप का वो रहता है, बट इनके पास डिजाइन अच्छे थे। और जिनमें साथ में इयररिंग थे ना, वो 100 रुपीस के थे। तो इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। मुझे यहाँ के मंगलसूत्र अच्छे लगे, खोल के भी मैं आपको दिखा दूंगी। उससे पहले हम कुछ पार्टी वेयर रिंग की बात कर लेते हैं। जो रिंग्स थी वो 150-200 रुपीस की रेंज में थी, और जो कॉकटेल थी वो 250 रुपीस की रेंज में थी। सेम शॉप पे इयररिंग्स का काफी अच्छा कलेक्शन लगा था, डिजाइन बहुत प्यारे थे। देखिए ये मंगलसूत्र कितना सुंदर लग रहा है ना, ऊपर की तरफ है ना ये दो स्टड है, नीचे की तरफ मंगलसूत्र है। बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसी ऐसी चीजें ना आपको सदर बाजार में बहुत देखने को मिलेंगी। रिंग्स में ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, वो भी एडी की रिंग। लोगों को बहुत अच्छी लगती है आजकल, एडी की रिंग काफी ज्यादा फैशन में है, काफी ज्यादा ट्रेंड में है, और इतने सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ सदर बाजार में। तो जरूर आना सदर बाजार पर, टाइम निकाल के आना, क्योंकि अभी पता है क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है। लिपस्टिक में आपको काफी अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाएंगे, ढेर सारी शेड्स होती है लिपस्टिक में, बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे। न्यूड में चाहिए, कुछ डार्क शेड्स चाहिए, तो हर तरीके की चीजें होती है। 50 रुपीज सिंगल का प्राइस है। ये वाली जो नेल पेंट मैंने अभी उठाई है, 30 रुपीज ईच थी। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसमें कलर ऑप्शंस भी काफी सारे थे। मैट में भी आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, तो अट्रैक्टिव कलर्स थे। नेल पेंट भी बहुत अफोर्डेबल थी, साथ में ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको भी शौक है ना नेल पेंट्स लगाने का, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी है। साथ ही में अगर आप पीछे की तरफ देखोगे ना, आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे बीन वैक्स है। ये वाली वैक्स भी बहुत चली हुई है, 200 रुपीज का बॉक्स था, तो आप वैक्स भी ले सकती हो। साथ ही में नेल पेंट जो आप देख रहे हो ना अभी, ये 30, 40 और 50 रुपीज की रेंज में थी। अलग अलग क्वालिटी में चीजें मिलती है। हमने सदर बाजार में 65 वाली भी नेल पेंट कवर करी है, बट वो बहुत ही बेकार रहती है। लगने के बाद जब वो सूखती है ना, तो इतनी बेकार लगती है, क्या ही बताऊं। ये वाली वैक्स भी काफी अच्छी रहती है, काफी ट्रेंड में भी है, इसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। तो आपको तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, सस्ती मिल जाएंगी। आप सोचो, जो वैक्स हम 200-150 रुपीज की नॉर्मल मार्केट से लेते हैं, वही वैक्स आपको यहाँ पे 100 रुपीज में मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ आई लाइनर की, आई शेडो की, तो वो भी यहाँ पे 20-30 रुपीज में थे। आई शेडो पैलेट जो मैंने अभी रखी है, ये 200 रुपीज की थी। ये लिपस्टिक 4 क्रियोन्स थे, ये भी काफी अच्छे थे। ये आपको 175 रुपीज का पड़ेगा, मतलब 4 का प्राइस बता रही हूँ, जब आपको चीजें कम लेनी हो। ब्रशेस वगैरह में भी बहुत ऑप्शन थे, कंसीलर भी आपको शेड के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। बाकी लिपस्टिक देख लीजिए, आई लैशेस थी, आई शेडो पैलेट थी, विटामिन ई के कैप्सूल थे, और हाइलाइटर्स भी थे। ये सब ट्राइंगल वाली जो हाइलाइटर है, ये 100 रुपीज की रेंज में। हार्ट शेप वाले जो थे वो 120 रुपीज की रेंज में थे। तो मुझे तो बहुत पसंद आई यहाँ की चीजें। साथ ही में अगर आप मटका गली गए हो, या फिर आपने कभी मटका गली जाके देखा है, तो आपने इस तरीके के इयररिंग्स में स्टॉल्स देखी होंगी, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैरायटी होती है। एक से बढ़ के एक डिजाइन मुझे देखने को मिले, प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल थे, मतलब 300 रुपए दर्जन थे। कृष्णा ज्वेलरी और स्वदेश मार्केट पड़ती है, 34D प्रताप मार्केट, सॉरी मटका गली नहीं थी, प्रताप मार्केट थी। प्रताप मार्केट भी काफी सही है, प्रताप मार्केट से आप घूमते घूमते बाहर की तरफ, जो आपका अवंतीबाई चौक है ना, उधर की तरफ भी निकल सकते हो। मैं तो जब भी एंट्री लेती हूँ ना, तभी अंदर की गलियों में से ही बाहर निकलती हूँ, क्योंकि बाहर रोड पे बहुत रश रहता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, जो आपकी वेस्टर्न वेयर ड्रेसेस होती हैं, उनके साथ तो पेयर अप करने के लिए बहुत वैरायटी थी इयररिंग्स की। साथ ही में डेली यूज के लिए अगर मैं स्टड्स की बात करूँ, तो आपको बहुत सारे अच्छे डिजाइन देखने को मिलेंगे, वो भी 180 रुपीज का पूरा बॉक्स होता है, जिसमें अराउंड 4 दर्जन आपको इयररिंग्स मिल जाते हैं। कुछ जो बॉक्सेस होते हैं वो 150 रुपीज के होते हैं। तो ओवरऑल जो डेली यूज की चीजें होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है, और ये मेटेलिक वाले तो काफी ट्रेंड में रहते हैं। इनका कभी आपने ये नहीं देखा होगा ये आउट ऑफ फैशन गए होंगे, इनमें डिजाइन बदलते रहते हैं, लोग पहनते रहते हैं, लोगों को चीजें बहुत पसंद आती है। तो ओवरऑल जो स्टफ रहता है ना, जो डिजाइन रहते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे रहते हैं। और जितने भी बॉक्सेस आपकी नजरों में है ना, अभी सब 150 से 180 रुपीज की रेंज में थे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टड्स के ऊपर भी प्राइस बहुत ज्यादा
ज्यादा डिपेंड करता है, किसी किसी बॉक्स में ज्यादा थे, किसी किसी में कम थे, बट नोट मोर देन 200 रुपीज। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना कि आपको ना चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी पूरा बॉक्स ले सकते हो, क्योंकि ये पूरा साल भी चल सकता है। अगर आप चलाओगे ना अच्छे से तो ये पूरा साल चलता है। रबर बैंड आप ले सकते हो, क्लक्चर्स आप अपने लिए ले सकते हो, हाँ, बट आपको ना पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा। ये मिक्स एंड मैच करके भी नहीं देते हैं, क्योंकि आउटर में क्या होता है ना, बाहर की तरफ जो सड़क पे लगे होते हैं उसमें कई बार रिंग्स में कस्टमाइजेशन हो जाती है या फिर बॉक्स को कस्टमाइज कर देते हैं, बट जब आप अंदर की गलियों में होते हो ना तो आपको प्रॉपर पूरा बॉक्स खरीदना पड़ेगा। ये लोग ऐसे नहीं करके देते कि चार पीस कहीं से निकाल लिए, चार पीस कहीं से निकाल लिए। तो आई होप आपको प्राइस का आइडिया लग गया कि सामने वाले जितने भी मैंने आपको बॉक्सेस दिखाए हैं ये सब 150 to 200 rupees की रेंज में है। आई डोंट थिंक सो कि अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी। इन केस किसी को किसी भी मार्केट को लेके अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आप लोग मेरे को बताया करें, कमेंट करा करें। मे बी कि आज आपने कमेंट किया, मुझे टाइम नहीं मिला है, बट जब भी वीकेंड होता है या फिर मुझे लगता है कि आज मैं फ्री हूँ और मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकती हूँ, उस सेम डे बैठ के मैं सबके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करती हूँ। मे बी एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, बट मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। इसीलिए हर बार बोलती हूँ कि प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करो, क्योंकि आप लोग बताते हो तो बाद में पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार दोबारा एड्रेस देख लीजिए, नंबर वगैरह भी सब मेंशन है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।